एडिशन क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, यानी कि कैरी वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। जैसे यहाँ है 9 में मैं 9 कैसे प्लस करूंगी, 9 में मैं 8 कैसे प्लस करूंगी, 9 में मैं 7 कैसे इंक्लूड करूंगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। जितने ज्यादा लोग शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी एबेकस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो प्लीज इसमें भी हमें पेन कॉपी किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? अपनी फिंगर्स का। बिल्कुल सही बोला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताती हूँ और इस स्टेप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको सेकेंड स्टेप बताऊंगी, फिर थर्ड स्टेप बताऊंगी, ठीक है। तो कैसे करना है तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, +9=+10-1। तो इसे कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। जैसे मैंने 8 फिंगर अप की हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें मुझे 9 प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 9 प्लस करना है, तो आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे 9 फिंगर तो बचे ही नहीं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लिखा है ना, तो पहले हमें 10 यानी कि 10 फिंगर अप करनी है, उसमें से 1 माइनस करना है। 10 हमें प्लस करना है फिर 1 माइनस करना है। तो देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे 8 फिंगर है, 8 में मैं प्लस करूँगी 9, तो मैं क्या करूँगी उसके लिए 10 फिंगर अप करूँगी और यहाँ से 1 फिंगर डाउन करूँगी, तो कितना आया देखिए, 17 आया ना। अगर मैं आपसे बोलूँ 9+9, तो 9+9 करना है, तो उसके लिए तो हमारे पास फिंगर नहीं है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे और 1 फिंगर डाउन करेंगे, तो कितना आया बच्चों, 18 आया ना। तो अब हम इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ दे रखे हैं तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जिसके पीछे 9 है उसे हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद मैं बाकी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, 52+29। तो 52 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 52+29। तो 29 कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, 20 तो ये हो गया, 20 तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 9 की। तो बच्चों 9 की हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10 अप और यहाँ से 1 फिंगर डाउन, तो कितना आया, 81 आया ना। तो लिख देते हैं इसका आंसर। अब देख लेते हैं हम और क्वेश्चन, जैसे ये देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि 8 वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, 51+39। तो देखिए जिस बच्चों को ध्यान से समझ में नहीं आ रहा है वो एक और बार देखिए, 51 यही होता है ना, 51 प्लस 39। तो पहले हम क्या करेंगे, 30 रिप्रेजेंट करेंगे, 10, 20, 30। तो ये 30 हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 9। तो 9 के लिए बच्चों क्या करेंगे, एक फिंगर यहाँ से अप करेंगे और यहाँ से 1 फिंगर डाउन करेंगे, बच्चों कितना आया, 90। तो लिख लेते हैं ऐसे भी हम 90। अब करते हैं हम 58+29। तो 58 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए, 58 यही होता है ना, 58। अब हमें इसमें ऐड करना है 29। तो 29 कैसे करेंगे ये देखिए, 10, 20 ये हो गया। अब हम इसमें प्लस करने वाले हैं 9, तो यहाँ तो 9 फिंगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, 10 यहाँ पे अप करेंगे, 1 फिंगर डाउन करेंगे, तो कितना हो गया, 87 हुआ ना। तो लिख लेते हैं इसे भी हम 87। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यहाँ ये वाला, 32+9। तो 32 ये हो गया, प्लस 9 करना है, तो क्या करेंगे 9 के लिए, 1 फिंगर अप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और 1 फिंगर डाउन राइट हैंड साइड, तो कितना हुआ, 41। तो लिख लेते हैं इसको भी हम 41। अब करते हैं हम ये सेकंड स्टेप, +8=+10-2। तो इसे हमें कैसे करना है ये देखिए, अगर मैं बोलूँ ये मेरी 9 फिंगर है, इसमें मुझे 8 को प्लस करना है, तो यहाँ तो फिंगर नहीं बची ना बच्चों, तो हम कैसे करेंगे ये देखिए, तो हम +10 करना है और उसमें से -2 करना है, तो कितना आंसर आया, 10, 5, 6, 7, 17 सही है ना आंसर। अगर मैं बोलूँ आपको कि 8 में से मुझे 8 प्लस करना है, कि 8+8 करना है, तो कैसे करूँगी, 8 फिंगर
अगेन मुझे 8 प्लस करना है ना 8, तो मैं 1 फिंगर अप करूंगी, यहां से 2 फिंगर डाउन करूंगी, तो कितना हुआ 16। समझ में आया? तो चलिए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या लिखा है, 74 प्लस 18, तो इसे कैसे करेंगे, 50 67, 74 प्लस 18 तो 10, और अब हम यहां पे क्या प्लस करेंगे 8, तो 8 के लिए क्या करते हैं, 1 फिंगर अप यानी कि 10, और यहां पे 2 फिंगर डाउन तो कितना हुआ 92, तो लिख लेते हैं यहां पर 92। अब देखिए नेक्स्ट 63 प्लस 17, तो 50 63 63 हो गया। अब यहाँ पे 17, तो मैंने 7 वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया ना अभी आपको, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 वाला कॉन्सेप्ट की से कैसे करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 7 इंक्लूड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, 1 फिंगर अप लेफ्ट हैंड साइड और 3 फिंगर डाउन राइट हैंड साइड, 1 फिंगर अप लेफ्ट हैंड साइड 3 फिंगर डाउन राइट हैंड साइड। तो देखिए कैसे यहाँ लिखा है 7, अगर मैं बोलूँ हमें 9 में 7 प्लस करने हैं तो फिंगर अगेन नहीं आपके पास, अगर आप लेवल 1 की बात करें। अगर यहाँ पे लेवल 2 में मैं आपको सिखाऊं तो अगर यहाँ पे 9 है इसमें 7 प्लस करना है तो क्या करेंगे, 1 फिंगर अप लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 फिंगर डाउन राइट हैंड साइड, तो कितना आंसर आया 1 5 6 16 16 आया ना। तो ऐसे ही आपको करना है कंटिन्यू। तो आप देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसके यहाँ पर 63 प्लस 17 कैसे करेंगे, तो यहाँ ये 50 60 63 प्लस 17, तो यहाँ पे हो गया 10, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 7, तो 7 ऐड कैसे करेंगे बच्चों, 1 फिंगर अप 3 फिंगर डाउन कितना हुआ 80, तो लिख लेते हैं इसको भी हम 80। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 29 प्लस 7, तो यहाँ देखिए 29 ये हो गया प्लस 7, तो 7 के लिए क्या करेंगे, 1 फिंगर अप और यहाँ पे 3 फिंगर डाउन, तो कितना हो गया 36, तो लिख लेते हैं। तो जिसको वर्कशीट चाहिए वो आप हमें व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपना, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अबेकस का जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।